वेलकम। भारत का इतिहास, उसका एक पार्ट आधुनिक भारत का इतिहास, उसका एक पार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस विशेष वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने हेडलाइन में ही लिखा, ये 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार की बात है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जी ने उस समय एक सभा में भाषण देते समय कह दिया 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस था। इसको लेकर पूरे देश में बहुत बवाल हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को, जो पायलट थे, उनको इतना तक नहीं पता कि ये गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस नहीं, और इसको लेकर बहुत आलोचना हुई। लेकिन आप जानते हैं, राजीव गांधी जी के मुंह से जो कुछ भी निकला था वो उतना बड़ा मिस्टेक नहीं था। ये 26 जनवरी रियल में भारत का स्वतंत्रता दिवस रहा, एक लंबे समय तक रहा। और ये 26 जनवरी 1950 आया कहां से? भारत का संविधान लागू हुआ इसलिए? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? हमारा संविधान, जिस संविधान सभा की बैठक 1946 में हुई थी 9 दिसंबर को, और इतने लंबे समय के बाद, लगभग 3 वर्षों के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। तो हमारा संविधान जो 46 में 9 दिसंबर के बाद, पहली बैठक के बाद बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया, तो ये संविधान उसी दिन से लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? संविधान के कुछ इमरजेंसी प्रावधान, प्रोविजंस, सिटीजनशिप, नागरिकता, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, चूंकि भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बने थे और पूरे देश में दंगे का माहौल था, इस समय ये बहुत जरूरी था, इसलिए इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। लेकिन पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू ना हो करके 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950, ये 2 महीने तक इंतजार क्यों किया गया? इसी कहानी के पीछे इसका राज छुपा है। और ये राज छुपा है तो ये राज भी खुलेगा। और मैं ये चाहता हूं कि हर एपिसोड से, जो एपिसोड्स सबके सब एग्जाम बेस्ड होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकले जो बातों ही बातों में आपको याद हो जाए, रटना ना पड़े, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आउटलाइन ही खींचना है, इवन आईएएस और स्टेट सर्विस में, जिसमें कि ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, फिर भी स्केचिंग और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं उसमें भी मदद करेंगी। इनका संबंध 1930 के 26 जनवरी से है। और ये सब कैसे है, इस पर बात करते हैं। बहुत सारी घटनाओं का जिक्र मैं करूंगा बैकग्राउंड के रूप में। बैकग्राउंड जिसको सुनिए, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, सारे बैकग्राउंड को, सारी घटनाओं को सुनेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा, याद नहीं रहेगा। लेकिन बैकग्राउंड सुनने से ही कुछ हल्का हल्का आभास होता है कि घटनाएं कहां घट रही हैं, हम कहां बात कर रहे हैं।
दरअसल आज हम लोग बात करेंगे 1927 से लेके 1932 के बीच कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम, कुछ इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि एग्जाम के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इन करीब 5 वर्षों में, इन 5 ईयर्स में, वो भी मूल रूप में 28 से लेके 31 के बीच में, 3 ईयर्स में मूल रूप में, चूंकि थोड़ा आगे पीछे होना है इसलिए 5 ईयर्स लिखा गया। लेकिन ये 5 ईयर्स कौन से 5 ईयर्स हैं? जब भी कुछ पढ़िए तो पहले समझ में आना चाहिए कि ये घटनाएं, इनका परिदृश्य क्या है। ये घटनाएं और ये 5 साल आसमान से उतरे हुए नहीं है, ये इनका बैकग्राउंड है। हर घटनाक्रम जो इस बीच हुआ है वो पूर्व घटनाओं का परिणाम है, पूर्व घटनाएं कारण है और आगे आने वाली घटनाओं का वो खुद कारण है। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड का जिक्र करूंगा। 1927 से लेके 32 के बीच में बात करने के पहले सिर्फ सुनिए थोड़ी देर। आधुनिक भारत बोला गया, इसको मूल रूप में 1757 से लेकर के 1947 देश की आजादी तक बोलते हैं, करीब करीब 190 ईयर्स मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, हालांकि हम लोग बोलते हैं कि 1857 से ये मूवमेंट शुरू हुआ और ये लगभग 100 साल चला 100 ईयर्स। लेकिन सच ये है कि ठीक है, वीर सावरकर जी ने ये कह दिया था कि 1857 का रिवोल्ट भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये भी एग्जाम में आता है। लेकिन वास्तव में उस समय भारत नाम की कोई चीज नहीं थी। 1857 में इंडिया को कोई नहीं जानता था, जानता था मतलब भौगोलिक घटनाएं थी, इंडिया बोल करके कुछ था नहीं, भारत बोल करके कुछ था नहीं, विभिन्न देशी रियासतें थी, कोई बिहारी था, बंगाली था, मराठी था, अलग अलग जाति धर्म के नाम पर और क्षत्रियता के नाम पर लोग बटे हुए थे। भारत एक राष्ट्र अभी बनना शुरू नहीं हुआ था। लेटर हाफ 19 सेंचुरी मतलब 1800 से 1900 के बीच में, 19 सेंचुरी का जो लेटर हाफ है यानी 1857 से लेकर के 1900 के बीच, ये 50 साल में भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और 1885 में कांग्रेस का जो गठन है वो एक इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है। 1885 में जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है। हालांकि इतिहास में एक इवेंट अपने आप में कुछ नहीं होता, वो घटनाओं का बंडल होता है। जैसे मैंने कहा 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन, ये कोई आसमानी बात नहीं है। कांग्रेस का फॉर्मेशन तो महज एक घटना है। दरअसल राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे उसमें इंडियन एसोसिएशन से लेकर के बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, सभी लगातार यहां बन रहे थे। और वही सब लोग आखिरकार मूल रूप में एकत्र होकर के उन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन कांग्रेस को जन्म दिया 1885 में। इसलिए घटनाओं का एक पुंज है और एक तरह से भारत में संगठित रूप में राष्ट्रवाद की शुरुआत आप बोल सकते हैं 1880s के दशक से होती है। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे बार बार बोलेंगे, उत्तरार्ध में होती है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रवाद कब प्रारंभ हुआ, तो 1857 नहीं 1885 नहीं। राष्ट्रवाद कोई युद्ध नहीं है कि एक दिन में हो जाए, यह प्रोसेस है। भारतीय होने का एहसास, एक देश के वासी होने का एहसास, यह एक प्रोसेस है। 19 सेंचुरी के उत्तरार्ध में जो ऑप्शन रहता है ना, लेटर हाफ ऑफ 19 सेंचुरी, यह ऑप्शन आपका आंसर होता है, बार बार एग्जाम में आया है। 19 सेंचुरी के लेटर हाफ का मतलब 1850 से 1900 के बीच, लेटर हाफ मैंने इस 50 साल में भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू। ये सब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे, बस ऐसे ही सुनिए। 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद एक तरह से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है, लेकिन बहुत धीरे 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 धीरे, सॉफ्ट लोग काबिज रहते हैं और गांधी जी के आगमन के पहले तक, यानी कि मूल रूप में 1919 बोलिए, आगमन मतलब राजनीतिक आगमन, ठीक है,
साउथ अफ्रीका से तो जनवरी 1915 में ही आ गए थे, 1915 में ही आ गए थे। छोटे मोटे आंदोलन भी किए उन्होंने 1917 में चंपारण से लेकर के अहमदाबाद तक, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण 1919 से होता है, खिलाफत मूवमेंट से। ये सब बैकग्राउंड है खिलाफत मूवमेंट से। फिर असहयोग आंदोलन होने और चौरी चौरा की घटना के वापस लेने के बाद एक तरह से वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। पूरे देश में जो मूवमेंट चलता है वो समझ लीजिए 1885 के बाद शुरू होता है असहयोग आंदोलन। हालांकि उसके पहले 1905 से 7 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, वो एक दौर है, चूंकि आज उस पर चर्चा नहीं करनी है, बैकग्राउंड की बात है। लेकिन बस घटनाक्रम को इस तरह से हम लोग बोलते हैं। और गांधी जी का जो सक्रिय राजनीति वाला दौर है 1919 से लेकर के 22 के बीच में वो सक्रिय होते हैं पहली बार राष्ट्रीय पैमाने पर। चंपारण में तो 17 में आ चुके थे, उसके बाद वो पैक हो जाते हैं। मैंने 1927 क्यों चुना, क्योंकि क्वेश्चन का एक पुंज, कई क्वेश्चन यहां से आते हैं और मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए। ये दौर चौरी चौरा की घटना के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन ठहर जाता है, मतलब राष्ट्रीय पैमाने पर छोटे मोटे आंदोलन चलते रहते हैं, स्वराज्यवादी आंदोलन चलता रहता है, क्रांतिकारी आंदोलन चलता रहता है, कम्युनिस्ट मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर कोई आंदोलन नहीं चलता। उसका उभार होता है 1927 से, और यहीं से आज का हमारा पीरियड शुरू होता है। घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि आप समझते चले गए तो मैंने ये सब इतने डेट्स लिख दिए ना, फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था कि डेट्स का नाम इतिहास नहीं है, और मैंने खुद ही डेट्स लिख दिए इतने सारे, देख करके डर लग रहा होगा। बैकग्राउंड मानिए ना, डेट तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, तो क्या उसे छोड़ देंगे? रहने दीजिए, याद हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। मेरा कहना है डेट्स में लिखता हूं, डेट्स के पास जाकर के हम लोग घूमेंगे, विचरण करेंगे, डेट्स तो याद हो जाएगा। 1927 के पहले राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बुरी स्थिति में था। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि अब तो इस देश का भगवान ही मालिक है, लेकिन जब निराशा चरम पर होती है तो वहां से आशा का संचार होता है, और ये संचार गलती से ही सही अंग्रेजों ने ही कर दिया। साइमन कमीशन का गठन करके, हमारे इस घटनाक्रम की शुरुआत साइमन कमीशन के गठन से होती है। दरअसल भारत में भी जो ये फेज है 26 के बाद, 27 या उसके बाद, ये साइमन कमीशन के गठन से होती है। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ, 1927 में। ये भी बात करते हैं कि भाई 27 में ही कैसे हो गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड के रूप में, भारत में अंग्रेजों ने जो कानूनी सुधार किए थे उसके मुताबिक, जो हम लोग बात किए थे कि 1773 से जो स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, वो आगे बढ़ते 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 1861 होते होते 1892 होते होते 1909 और 1919 में दो महत्वपूर्ण अधिनियम आए। बस बैकग्राउंड सुनिए ना, देखिए आपको अगर डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा हो ना तो इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। मैं बिल्कुल भी याद करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस बात कर रहा हूं, बात करने में सुविधा हो इसलिए मैंने डेट्स लिख दी है। चलिए मेरे साथ चलिए, देखिए कैसा लगता है। ये दो महत्वपूर्ण अधिनियम आए 1909 और 1919। धीरे धीरे अंग्रेज थोड़ा थोड़ा अधिकार दे रहे थे भारतीयों को, भारतीय परिषदों को, लेकिन पूरी तरह नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? तो आप लोग कैपेबल नहीं है, आप अपना शासन नहीं चला सकते ना, और हम लोग तो इस देश का उद्धार करने के लिए आए हैं। जिस दिन आप सक्षम हो जाएंगे अपने देश का शासन चलाने के लिए, उस दिन हम आपको ये देश सौंप के चले जाएंगे। यही थ्योरी थी अंग्रेजों की, ऑफिशियल थ्योरी यही थी। वो अपनी जनता को भी यही बताते थे कि हम तो पूरी दुनिया को शिक्षित और एजुकेट करने के लिए चले, सभ्य बनाने के लिए चले। वो लोग सभ्य नहीं है ना, जिस दिन कैपेबल हो जाएंगे उस दिन दे देंगे। 1919 में ये सुधार का वादा किया गया था कि अभी आप लोग कैपेबल नहीं है, थोड़े बहुत अधिकार लीजिए ना। राष्ट्रीय असेंबली, प्रांतीय असेंबलियों को थोड़े थोड़े अधिकार दिए गए थे और सेंट्रल लेजिस्लेचर को उतना अधिकार नहीं था, क्योंकि आप कैपेबल नहीं है ना, शासन नहीं चला सकते। ठीक है, हम लोग 10 ईयर्स के बाद एक बार कमीशन का गठन करेंगे और वो कमीशन जांच करेगी कि आप इन 10 वर्षों में जो
विधानसभाओं में, राज्यों में जो इसके अंतर्गत हुआ था, जो आपको अधिकार दिए गए थे, आप कितना काम की और कितने सभ्य हुई, कितना शासन चलाने लायक हुई, इसकी जांच करेंगे और उसके बाद जब कमीशन को लगेगा कि थोड़ा और अधिकार देना चाहिए तो देंगे। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से। तो इसके मुताबिक तो 1919 था, 18 में एक्ट आया था, 19 में वो लागू हुआ, तो 29 होना चाहिए था ना, 10 ईयर्स तो 29 होना चाहिए था। इसका रीजन इंग्लैंड का इंटरनल रीजन है। वहां पर जो सरकार सत्ता में थी उसे लग रहा था कि हम लोग हार जाएंगे, कंजर्वेटिव, और लेबर दल सत्ता में अगली बार जीत के आ जाएंगे। देखिए अंग्रेजों की राजनीति इस मामले में कितनी परिपक्व है कि राष्ट्रीय हित को हमेशा ऊपर रखते हैं। उन्हें लगा ये लोग पता नहीं उनको क्या क्या दे देंगे, इसलिए हम लोग ही जल्दी से जो देना है वादा किए थे पहले कर देते हैं। इसलिए फट से एक साइमन कमीशन का गठन कर दिया, साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन कर दिया। अब बताइए पूरे साइमन आयोग में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया, और वो साइमन कमीशन जो ये तय करेगा कि भारतीय कितने कैपेबल हैं और भारतीयों को कितना अधिकार दिया जाए, इसमें कोई इंडियन नहीं है, कोई गांधी जी नहीं है, कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं है, कोई चिरंजन दास नहीं है, कोई मोतीलाल नेहरू नहीं है। अब आप बताइए इस देश में लॉयर नहीं है, विद्वान नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, कोई कैपेबल नहीं है। इस बात ने समझ लीजिए कि शांत पानी में पत्थर फेंक दिया, उबाल आ गया पूरे देश में। वो देश जहां पर सारा घटनाक्रम शांत था, अचानक उबाल आ गया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई। पूछता है किस ईयर घोषणा हुई, तो 1927, और वो 1928 में भारत आया। पूरे देश में तय कर लिया गया कि साइमन कमीशन गो बैक। एक भी भारतीय को योग्य नहीं समझा गया, आप क्या कानून बनाइएगा, आप क्या हमें अधिकार दीजिएगा, हम आपको नहीं मानते। और जब ये 1928 में भारत आया, अगला क्वेश्चन होता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 कब बना, 27 याद रख लीजिए, बार बार एग्जाम में आया है। साइमन कमीशन के फॉर्मेशन का डिक्लेरेशन कब हुआ, घोषणा कब हुई, तो 1927 में। और इंग्लैंड से आने में टाइम लगेगा ना जी, नवंबर में हुआ, जनवरी में आए हैं, 28 में, बोले डेट थोड़ा अच्छा लगने लगा ना, 1928 में जनवरी में आए। पूरे देश का वो भ्रमण कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, ये सोच करके कि हम लोगों से बात करेंगे कि आपको कौन से अधिकार चाहिए। और पूरे देश ने तय कर लिया था कि हम आपको काला झंडा दिखाएंगे, साइमन कमीशन गो बैक। हर जगह उसका बहिष्कार किया गया, हर जगह बहिष्कार किया गया। और उसके बाद वो अपना लौट के गया, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में, लंदन में, 3 गोल में सम्मेलन हुए। 28 के बाद 29 में गया, उसने रिपोर्ट सबमिट की और उस पर विचार करने के लिए 1930, 31 और 32 3 गोल में सम्मेलन हुए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूं कि ये पूरा क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाए। 27 में फॉर्मेशन की घोषणा हुई लास्ट में, 28 में आया, पूरे देश में घूमता रहा, और उसके बाद 29 में उसने रिपोर्ट बनाई, सबमिट किया और उस पर विचार करने के लिए 1930 में, 31 में और 32 में 3 गोल में सम्मेलन हुए, जिसमें कि भारतीयों को बुलाया गया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला उस पर भारत शासन अधिनियम 1935 का बना, जो कि आज भी हमारे संविधान की आधारशिला है। हमारे संविधान में जो भी चीजें हैं उसका 75% भाग हमने बनाए रखा है, यही इसी अधिवेशन से लेके, इसी अधिनियम से लेके। बोलिए थोड़ा ऑर्डर अच्छा लग रहा है ना, डेट्स थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है ना। अरे इन्हीं डेट्स के आसपास बहुत सारा बात करेंगे ना, आइए। हाँ, तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई और एक भी भारतीय को रखा नहीं गया। भारत सचिव थे बर्कनहेड, उसने चुनौती दी जब भारतीयों ने विरोध किया कि अगर भारतीय नहीं है तो हम इस साइमन कमीशन को नहीं मानते, तो बर्कनहेड ने चुनौती दी कि भारतीयों को अगर हिम्मत है, कैपेबल है, तो संविधान बना के दिखाइए। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 28 में साइमन कमीशन भारत आया और 28 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना हुई, और इस कमेटी को सारे भारतीय राजनीतिक और दूसरे तत्वों से मिलकर के एक रिपोर्ट पेश करना था, संविधान का प्रारूप पेश करना था कि हम लोग कैपेबल हैं और करके दिखाते हैं। पूरे 28 में
तीन बार मीटिंगें हुई। किसकी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का मतलब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े लॉयर थे, राष्ट्रवादी थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तीन सम्मेलन हुए, तीन मीटिंगें हुई, और उन मीटिंगों के रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। कब? 1928। कौन थे इसमें? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, हाँ मोतीलाल नेहरू। इस नेहरू रिपोर्ट में मूल बात क्या थी? इसमें आजादी नहीं मांगी गई थी, पूर्ण स्वराज नहीं मांगा गया था, इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां से पूछा जाता है, डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया इंग्लैंड का गुलाम रहेगा, ठीक है, उसके अधीन रहेगा, लेकिन इंडिया अपने मामलों में खुद निर्णय लेगा, भारतीय ही चुन के आएंगे, शासन चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, आपका आपके अधीन रहेगा, आपसे अलग नहीं होगा, आजाद नहीं होगा, लेकिन हम अपना शासन खुद चलाएंगे, ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब है। पूर्ण आजादी नहीं है लेकिन एक तरह से आजादी है आंतरिक मामलों में, ये डोमिनियन स्टेटस है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों ने काफी विरोध किया इसका, हमें आजादी चाहिए, लेकिन 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 अंततः यह तय हुआ कि नेहरू रिपोर्ट को माना जाए। क्यों, कैसे आई? 27 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो अधिवेशन है सेशन, वो हमेशा दिसंबर में हुआ करता था। 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर के हर साल, लगभग हर साल दिसंबर में अधिवेशन होता था। लास्ट 27 की भी लास्ट में हुआ, मद्रास में हुआ। 28 में साइमन कमीशन गो बैक होता रहा, साइमन कमीशन गो बैक होता रहा, और उसके बाद लास्ट में इसका जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है, कौन होगा? कांग्रेस का वो नेता जिसके नेतृत्व में पूरे साल अभियान चला हो, उसे ही होना है ना, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट बनाया ना 28 में, इसीलिए जब अंत में अधिवेशन हुआ तो मोतीलाल नेहरू जी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसमें पूर्ण स्वराज वगैरह का प्रस्ताव पर बात नहीं हुआ, डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार किया गया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सभी बोलते रह गए, नहीं माना गया, गांधी जी ने उसे अस्वीकार किया, कहा कि ठीक है सरकार को एक साल का समय देते हैं, अगर इन एक वर्षों में गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, आजादी मांगेंगे, ठीक है, सरकार को दिया गया। सरकार क्यों मानेगी, पूरा 29 गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। अब 29 में तैयारी हो रही थी कि सरकार तो सुन नहीं रही, एक साल तो अब पूरा होने को आने वाला है, दिसंबर 29 लास्ट से लेकर 29, और दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ऐतिहासिक अधिवेशन, हिस्टोरिकल सेशन, लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर। जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर जबरदस्त मांग उठाई थी 28 में ही, अपने फादर की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हो रहा था उसमें, लेकिन नहीं माना गया था, जवाहरलाल नेहरू का कहना सही साबित हुआ, और पूरे साल ये चलता रहा, समय तो दिया गया लेकिन आवाज ही उठाई जाती रही। अंत में अधिवेशन होगा तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? जवाहरलाल नेहरू। देखिए अध्यक्ष याद हो जा रहा ना आपको, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष चुने गए। जबरदस्त सेशन था, लग रहा था आजादी की लड़ाई शुरू होने वाली है। उस सेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का जिम्मा गांधी जी को दिया गया। गांधी जी को खुद ही अध्यक्ष बनने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए और मैं नेहरू में अपना अक्स देखता हूं, और नेहरू जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, वो अध्यक्ष बने, लेकिन आंदोलन तो गांधी जी ही चलाएंगे। उसी 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया और यह तय हुआ कि आगे आने वाले दिनों में, आगे मतलब लास्ट डे तो हो गया ना, 29 का लास्ट डे तो हो गया ना, 31 दिसंबर रात में 12 बजे, मतलब कि अगला दिन हो गया ना, नया साल हो गया ना, 31 1930,
और एक अच्छा सा दिन चुना गया जो संडे हो, जिसमें अधिक से अधिक भागीदारी हो। तो 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को चुना गया कि इस दिन हम लोग पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। उसके बाद से हर साल हर साल हर साल 26 जनवरी को आजादी की शपथ ली जाती थी, आजादी का दिवस मनाया जाता था। अंग्रेज हमें आजाद करे या ना करे, हम अपने को आजाद मानेंगे, हम किसी की सत्ता को नहीं मानते, हर साल मनाया जाता था। अब उस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे दूं जिसकी शुरुआत हुई थी इस वीडियो से, मैं जिसकी शुरुआत हुई थी, जो इसका हेडलाइन भी है। 1947 में भी 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 30 से लेकर के 1947 तक, इन 17 वर्षों तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन आपके मनाने से क्या होगा? अंग्रेज जिस दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे, आजादी का दिन तो वही होगा ना। 1947 में 26 जनवरी को आपने तो मना लिया इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेज 15 अगस्त को छोड़ के चले गए, और अब तो 15 अगस्त न होगा आजादी का दिन, जिस दिन आजाद होइएगा वो दिन न होगा, आपके बोलने से क्या होगा। और 15 अगस्त को 1947 को देश के आजाद होते ही 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस हो गया। अब जब 1948 आया अगला साल 26 जनवरी, तो बड़ा बड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। अब इंडिपेंडेंस डे तो आप मना नहीं सकते ना, क्योंकि 15 अगस्त को तो आप आजाद हो चुके हैं, अब तो 48 में भी आप 15 अगस्त को ही मनाएंगे ना। क्या करें क्या करें क्या करें। इस दिन लोग शहादत देते थे, लाठी गोली खाते थे, पूरे देश में आजादी की लड़ाई के लिए संकल्प लेते थे। बड़ा 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 खालीपन महसूस हो रहा था। इसलिए जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, तो हुआ कि 2 महीने रुक जाते हैं और इस 26 जनवरी को अमर कर देते हैं। ये 26 जनवरी जो आज तक हमारा इंडिपेंडेंस डे रहा, कम से कम रिपब्लिक डे तो रहे। और यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू घोषित किया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई बड़ा मिस्टेक राजीव गांधी जी ने नहीं किया था। दरअसल ये स्वतंत्रता दिवस तो था ही था, गणतंत्र दिवस तो उसके बाद बना और हमने बनाया। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। गोलमेज सम्मेलनों में हमें भाग नहीं लेना है, ये तो मजबूरी है। जिस साइमन कमीशन का विरोध किया गया, उसके रिपोर्ट पर जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कैसे भाग लीजिएगा? तो नेचुरली भाग नहीं लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने के बाद गांधी जी ने फरवरी में 11 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 11 मार्च को यात्रा निकाली 78 लोगों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ। और 6 अप्रैल को दांडी तट पर पहुंच करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सिविल नाफरमानी आंदोलन। और ये पूरा 1930 चलता रहा। गोलमेज सम्मेलन हुए, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, भाग लेने का सवाल नहीं उठता। 31 शुरू हुआ, 31 में ये पूरा साल जब चला, तो 30 के अंत आते आते अंग्रेजों ने दबाया, लेकिन एक माहौल बना। इरविन ने अंत में हस्तक्षेप किया, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे, कि वार्ता की जाए। उसने नमक कानून से लेकर के दूसरे चीजों में काफी कुछ हद तक माना, डोमिनियन स्टेटस के डिमांड को भी कुछ हद तक विचार करने का वादा किया, और उसको लेकर के 1931 में
मार्च में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, समझौता हुआ 5-6 मार्च को, समझौता हुआ 5 मार्च को, और यह आंदोलन वापस ले लिया गया या स्थगित कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को 5 मार्च। ठीक है, यहां कुछ बहुत नजदीक नजदीक घटनाएं घटती हैं, पर घटनाओं का आपस में संबंध है, आपको याद हो जाएगा। और गांधी जी ने वादा किया कि मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा, तो 31 मार्च को लास्ट में, मतलब 31 में मार्च में जब समझौता हुआ तो मार्च तो 31 में लास्ट में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया, 31 में कांग्रेस ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि सरकार बदल चुकी थी, उसका माहौल बदल चुका था, अब सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं थी। गांधी जी गए, निराश होकर आए, उनकी कोई बात मानी नहीं गई। आते साल जनवरी 1932 तक आते आते उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और अब फिर से दूसरा दौर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू करने के अलावा गांधी जी के पास कोई रास्ता नहीं था। 1932 में वापस आते आते उन्होंने दूसरे चरण की घोषणा कर दी। जब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, तो अब फिर साल के अंत में जब गोलमेज सम्मेलन होगा तीसरा वाला, तो भाग नहीं ही लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि घटनाओं के तार किस तरह से जुड़े हुए हैं। समझौता चुकी हुआ था, इसलिए 1931 के सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस, और कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, एक और घटनाक्रम पर बात करते हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और यहां बड़ा रेलिवेंट है, उसके बिना ये पूरी स्टोरी अधूरी होगी। क्रांतिकारी आंदोलन में फेज है, कई फेज है। हम लोग जहां बात करने जा रहे हैं 1927 के आसपास से, 26 के आसपास में ही भगत सिंह सक्रिय हो गए थे, उसके थोड़ा पहले से, 27 के बाद से इसमें उभार आता है, वैचारिक चेंज आता है, समाजवाद और कम्युनिज्म की लो और क्रांतिकारी, इवन क्रांतिकारी ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सभी आकर्षित होते हैं। 1927 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय गुलाम देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भाग लेने के लिए ब्रुसेल्स गए थे, और लौटते समय 28 में वो सोवियत रूस लौट के आए थे, और उन्होंने जो सोवियत रूस का नक्शा देखा था उनका दिमाग बदल गया, वहां से वो कम्युनिस्ट होकर के लौटे, साथ में इंदिरा गांधी भी थी। इन लोगों पर जो मानसिक प्रभाव है कम्युनिज्म का उस रूसी दौरे का है, पहले से थोड़ा प्रभावित थे, और वहां से लौट के आने के बाद तो एक तरह से क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष जो कम्युनिज्म का मूल बात है, उसको भी मानने लगे थे। अब ये एक अलग कहानी है कि गांधी जी के व्यक्तित्व में इतना दम था कि उन्होंने वर्ग संघर्ष से जवाहरलाल नेहरू को आगे खींच लिया, और आगे आगे आने वाले दिनों में जो जवाहरलाल नेहरू जी का वर्ग संघर्ष पर से जो विश्वास था उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया अपने व्यक्तित्व और प्रभाव के कारण, लेकिन धीरे धीरे लंबा समय लगा, लगभग 1940 के बाद ये परिवर्तन आया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 1927 में, थोड़ा सा, पूरा बात नहीं करना, थोड़ा सा करना है जो यहां जरूरी है। 1927 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई थी, 28 में वो आया, आने पर जगह जगह उसका विरोध हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ उसमें लाठी चली और वो घायल हुए, और नवंबर में उनका डेथ हो गया। क्रांतिकारी जो अब ये मान रहे थे, भगत सिंह और दूसरे लोग, कि सिर्फ हथियार के बल पर अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता, बल्कि सारे लोगों को यूनाइट करना जरूरी है, कम्युनिस्ट थ्योरी की ओर जा रहे थे, तो अब हम लोग हिंसा वाला मार्ग छोड़ देंगे। लेकिन तुरंत एक घटना घट गई, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई 1928 के लास्ट में, तुरंत दिलों का खून खौल उठा कि ना ना, इस बार तो बदला ले ही लेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, इसके बाद से हिंसा छोड़ देंगे, और उन्होंने सांडर्स की हत्या कर दी, दिसंबर में हत्या कर दी। किन्होंने की, किन्होंने की? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर के सांडर्स की हत्या की।
1928 के लास्ट में। उसके बाद भाग गए, गुप्त हो गए। 29 शुरू हुआ, अब क्रांतिकारियों को लग रहा था कि अपने विचारों को जनता तक कैसे पहुंचाए, तो लाहौर असेंबली में इन्होंने बम फेंका। किन्होंने बम फेंका? अप्रैल में, अप्रैल 29 में बम फेंका। किन्होंने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, लोगों को मारने के लिए नहीं, हॉल में पीछे में बम फेंका ताकि अखबारों में छपे और हम लोग गिरफ्तार हों, मुकदमा चले और उसमें हम लोग अपनी बात रखें, रोज लोग पढ़ें और हमारे विचारों का प्रसार हो। और सचमुच इसमें कामयाब रहे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। यहां पर अप्रैल में बम फेंका, गिरफ्तार हुई, मुकदमा चला। 29 के अंत में जेल में भी इन्होंने मुहिम चलाया कि हम लोग अपराधी नहीं हैं, हम लोग राजनीतिक कैदी हैं, हमें राजनीतिक कैदी का अधिकार मिलना चाहिए। और इसको लेकर के उन्होंने भूख हड़ताल की और 63 डेज के भूख हड़ताल के बाद एक क्रांतिकारी यतेंद्रनाथ दास की मृत्यु हो गई जेल में। ये भी पूछता है, ये 1929 बोले याद रहेगा ना। और 30 तक चलता रहा। उस केस में जो बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इसी बीच सैंडर्स हत्याकांड का केस भी उभर गया और उस केस में 3 लोग शामिल हो गए, सैंडर्स और एक दूसरे मामले में सुखदेव भी, और उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 1930 में सुनाई गई कि वो मार्च में दी जाएगी, 31 में, 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां घटनाक्रम बहुत नजदीक घट रहा है और ऐतिहासिक है। मेरे आज इस वीडियो एपिसोड का मकसद इसको क्लियर करना भी है। 23rd मार्च का मतलब फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी इसकी घोषणा हो चुकी है, पूरे देश में विरोध हो रहा है और गांधी और इरविन के बीच समझौता के लिए बातचीत चल रही है। पूरे देश के लोगों ने दबाव डाला कि इनकी फांसी को रद्द अगर नहीं करती अंग्रेजी सरकार तो समझौता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गांधी जी ने इसको नहीं माना। इन्होंने कहा कि वो हिंसावादी और हिंसा के लिए मैं पूरे आंदोलन को तिलांजलि नहीं दे सकता। इसलिए सुनिए 5th मार्च 1931 को, इसके पहले फरवरी में ही चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मारे जा चुके थे, आत्महत्या ही की थी उन्होंने, गोली खुद ही मारी थी, लेकिन फरवरी में 1931 में 5th मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, 5th मार्च गांधी जी ने कहा कि हमने इरविन जी के सामने मुद्दा रखा था लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना तो मैं इस नाम पर इतने बड़े आंदोलन की बलि नहीं दे सकता, इसलिए मैं अड़ा नहीं। और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। और इसके बाद 31 मार्च को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में, और उसमें इतना गुस्सा था लोगों में, इतना गुस्सा, कराची वो इलाका जहां पर काफी प्रभाव था भगत सिंह और क्रांतिकारियों का, वहां गांधी जी को जिंदगी में पहली और अंतिम बार काले झंडे दिखाए गए। कांग्रेस का अधिवेशन तो दिसंबर में हुआ करता था, हाँ होता था, लगातार होता आया था, लेकिन जब ये अप्रैल में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया 1930 में, तो आंदोलन चलते समय आप कैसे अधिवेशन करेंगे, तो 30 में अधिवेशन नहीं हुआ और 31 में अधिवेशन हुआ जब गांधी इरविन समझौता हो गया, तो मार्च में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बस यहीं तक मुझे बात करनी है, घटनाओं का क्रोनोलॉजी आपको आता है तो आप जरा देखिए 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, 11 मार्च शुरू होता है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल को गुजरात के दांडी तट पर पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है जो लगभग 5 मार्च गांधी इरविन समझौता के बीच तक आप मान सकते हैं चलता है। 5th मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी नहीं अड़ते हैं, नतीजा होता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23rd मार्च को फांसी होती है
और इसके बाद जो गुस्सा है वो 31 मार्च को जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। ये समझ गए? मैंने आज कोशिश की कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। असल में और समय लगेगा, जब तक और ज्यादा बैकग्राउंड को ना बताया जाए तब तक और ज्यादा मजा नहीं आएगा। फिर अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।